हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हमें एक एंगल बनाना है पी ओ क्यू जो कि 75 डिग्री का हुआ, और उसमें एक सिमेट्री लाइन भी हमें बतानी है। ठीक है, तो 75 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो स्टैंडर्ड एंगल होता है, तो उसे हमें कंपास से और रूलर की हेल्प से बनाना है। प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है। देखो, इसे तो हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, इसे आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में डी बोलते हो ना, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो इस प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाना है, आपको कंपास और इस रूलर और कंपास इन दोनों की हेल्प से बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं और ये इसी से बनाए जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, आप स्टेप बाई स्टेप सीखिए। कभी भी एंगल बनाना हो तो आपको सबसे पहले आप इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक सीधी लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ। कितने सेंटीमीटर मीटर इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने इस कंपास को लीजिए और इस कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। फिर इस कंपास को इस पॉइंट पर रखें इस तरह से, और एक आर्क बनाएंगे। मैं थोड़ा सा और कम ओपन कर देता हूँ, इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक आर्क बनाया हुआ है। उसके बाद इस कंपास को फिर से हिलने नहीं देना है। फिर आपको क्या करना है, इस नीचे इस पॉइंट पर रख के आपको फिर से एक आर्क लगानी है इस तरह से। तो ये मैंने देखो एक आर्क लगा दी इस तरह से। अब ये जो मेरी पहली आर्क लगी है ना, ये वाली, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दूंगा तो मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी हम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद इसी पॉइंट पर रखकर मुझे फिर से एक और आर्क बनानी है इधर। तो मैं फिर से एक और आर्क बना दूंगा ये इस तरह से। तो ये मेरी दूसरी जो आर्क बनी है ना, ये वाली, ये मेरी 120 डिग्री की होगी। तो सबसे पहले इन दोनों को ना मीट करते हैं, यानी कि इन्हें जॉइंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आर्क बनी है ना, ये 60 डिग्री की है, और इस पॉइंट पे जो ये आर्क बनी है, ये मेरी 120 डिग्री की है। तो इन दोनों को ना जॉइंट करेंगे टेम्परेरी, क्योंकि बनाना तो हमें कोई और एंगल है ना, हमें तो 75 का बनाना है। तो इसे हम परमानेंटली ज्वाइन नहीं करेंगे, डॉटेड के फॉर्म में टेम्परेरी ज्वाइन करेंगे। तो मैं ये टेम्परेरी लाइन से इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है, और ये है मेरा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये मैंने टेम्परेरी ज्वाइन कर ली है। अब 120 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में ही तो 90 डिग्री का एंगल लाई करेगा ना, तो फिर हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पर कहीं पे। तो फिर क्या करेंगे, हम इस कंपास को ना थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इस कंपास को ज़्यादा ओपन कर लेता हूँ बस। अब इस 120 वाले पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे ऊपर इस तरह से, और इस 60 वाले पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे फिर से यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो आर्क बन के ये कट रहा है ना जिस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 90 डिग्री का यहाँ पर। तो मुझे इसको जॉइंट कर देना है। अब बनाना तो देखो मैं 90 का भी नहीं था, तो ये भी आपका टेम्परेरी एंगल रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो 90 और 60 के बीच में आएगा 75 डिग्री। तो 90 की लाइन तो ये बनी है और ये 60 की लाइन बनी है। इन दोनों को सबसे पहले ना कंपास के ऊपर लेंगे हम। तो मैं ये कंपास के ऊपर ले लेता हूँ इन दोनों को इस तरह से। देखो ये दोनों मैंने कंपास पे ले लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में 30 का गैप है। अब इसका मुझे ना आधा कर देना है। आधा करने का मतलब है परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, आधे से आधा ड्रॉ लेते हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कहीं पर एक आर्क लगा देना ऊपर इस तरह से, और इस पॉइंट पर रख के भी कहीं पे एक आर्क लगा देना ऊपर। इस तरह से
ये कंपास आपका मूव नहीं होना चाहिए आर्क लगाते समय, इस तरह से एक आर्क लगा देना आप ऊपर, ठीक है। अब ये जो आर्क मैंने लगाया है अभी अभी, ये जो आर्क कट के जाएगी ना, ये 75 डिग्री की होगी। तो यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा जो मुझे ये बताएगी कि ये एंगल 75 डिग्री का है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला बीच का सीधे लाइन बनाई है ना मैंने, ये लाइन मेरी 75 डिग्री की है और यही हमें रियलिटी में बनाना था, ठीक है। और एंगल का नाम बनाना था, देखो पी क्यू पी ओ क्यू, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूँ। ये मेरा वर्टेक्स होगा ओ और इधर की ये जो लाइन है इसका नाम होगा क्यू, ठीक है। चलिए ये तो आधा काम हो चुका है। अब क्वेश्चन में आगे फिर से बोला गया है कि इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो देखो एंगल 75 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया गया है, तो इन दोनों के बीच का ना बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको मैंने सिखाया था ना कि इस पॉइंट से रख के पहले इस पॉइंट तक का ना ये ड्रॉ कर लो, ये चेक कर लो कि ये इतना कंपास पर आ चुका है। उसके बाद इसे आधे से ज़्यादा ओपन करना होता है। तो ये देखो आधे से ज़्यादा ओपन है मेरा। अब यहाँ पर एक आर्क लगा दो ऊपर और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से रख के एक आर्क लगा दो। अब ये जो आर्क पॉइंट है ना, इसको आप जॉइंट कर दो। तो जैसे ही ये आपका जॉइंट होगा ना, तो ये इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। अच्छा, इसको किसी और पेन से ड्रॉ कीजिए आप, जिससे आपका ये अच्छे से बन रखा है। रुकिए मैं इसे अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपका ये फिगर अच्छे से शो हो जाए कि हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। अब देखो ये अलग हमें दिख रहा है कि ये इस फिगर का ना बाइसेक्टर है। देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये इस फिगर का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स।